या अली मदद, अलवाइज राय अबू अली मिशनरी, वाइज नंबर 574, वाइज वेस्ट जमात खाना, शिकागो। अली मदद, जी बालपणानी प्रीतडी मौला तो सो लागी नेहड़ो लागो शाहनूर दर्शे तो क्या जाने रे गिमार मिठा शाह समरूम ते रो नाम या शाह समरूम ते रो नाम खुदा समरूम तेरो नाम। मौलाना हज़रत इमाम पे सलावत पढ़ना। दीनदारो, आपको मुबारक हो इस नए जामत खाने की। दो बरस ढाई बरस के बाद में आया हूँ वापस इस नए जामत खाने को देख के वाकई बड़ा दिल खुश हुआ। मैंने मुखी साहब को अभी अर्ज की, मैंने कहा इंशाल्लाह 1985 में मौला यहाँ इस जमात खाने में आएंगे, हमारी ये दुआएं हैं। जमात खाने हमारी जिंदगी का मरकज है। जमात खाने के इर्द गिर्द हम इस्माइली घूमते हैं। हम इस्माइलियों ने अगर के शरीयत के मजहब की तालीम नहीं ली, हम इस्माइलियों ने मजहब को बड़ा आसान लिया है, इसलिए कि जिस बच्चे के माँ बाप जिंदा होते हैं और प्यार करने वाले होते हैं तो बच्चे लाडले बन जाते हैं, तो उनमें बहुत सी खराबियां भी पैदा हो जाती हैं। लाड प्यार की वजह से बच्चे बिगड़ जाते हैं। हम लोग इस तरह से बिगड़ गए हैं। बाप माँ दोनों जिंदा हैं हमारे और उसके लाड प्यार ने हमें बिगाड़ दिया है। लेकिन अगर कोई यतीम बच्चा है, खसूसन जिसका न माँ है न बाप, उसको तो दुनिया के अंदर हर चीज अपनी मेहनत और इरादे से करनी पड़ती है और जिंदगी के जो मसाइब होते हैं, तकलीफें होती हैं, उसका सामना करना पड़ता है। कभी कभी जिंदगी में हार जाता है, कभी कामयाब हो जाता है। 100 करोड़ मुसलमानों में तकरीबन 2 करोड़ इस्माइली हैं, वो 98 करोड़ यतीम हैं, जिनको जिंदगी के मसाइब के सामना करना पड़ता है। जगह जगह हर शहर के अंदर वो अपनी निजी मुआमिलात के साथ अपने मजहब की तालीम वगैरह भी लेते हैं, बहुत सी कुर्बानियां भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माँ बाप जीते हैं, इस वजह से जैसे मैंने कहा कि जिंदगी की बहुत सी खराबियां हम में आ जाती हैं, उसमें एक खराबी ये है कि हम लोग मजहबी इलम में बड़े कच्चे हैं। हमारे पास मजहबी इलम नहीं और हमको मजहबी इलम हासिल करने के लिए बहुत थोड़े ऐसे लोग हैं जिनको शौक है। हम अच्छी किताबें पढ़ते ही नहीं। हमने समझ लिया है जमात खाने आ जाओ और इधर जो वाज या फरमान जिनान सुनाए जाते हैं वो सुन लेते हैं, बाकी तो हमारे दिल में एक तकवीयत तो है, बाप जीता है माँ जीती है।
हमें कोई तकलीफ होगी तो वो बैठा है, और हमको असल में बिगाड़ा भी उसी ने 1962 के अंदर केनिया में थोड़ी ट्रबल हो गई। उस वक्त मौला हिंदुस्तान और पाकिस्तान की मुसाफरी में थे, मौला कराची में थे। मौला ने अपना प्रोग्राम कराची का 2 दिन छोड़ दिया और उड़ के साथ आए नैरोबी। नैरोबी थोड़ी तकलीफ थी, पॉलिटिकल तकलीफ थी, जमात घबरा गई। मौला जब आए साहब ने कहा, देखो तुम्हारी खातिर में 2 दिन पाकिस्तान का प्रोग्राम शॉर्ट कर दिया, घबराओ मत। मैंने आपको कहा ना कि लाड प्यार करने वाले माँ बाप जो होते हैं तो वो अपने प्यार की वजह से बच्चों को इतनी तकवियत और सहूलतें और आराम देते हैं कि बच्चे बिगड़ जाते। फरमान करते करते गले में चेन पहना हुआ था साहब ने, हाथ की उंगली से चेन को घुमा रहे हैं, चेन से खेल रहे हैं, दूसरा हाथ माइक पर है और सब चेन को छोड़ के अपने सीने मुबारक पे हाथ रख के माँ बाप फरमाया, मेरे रूहानी बच्चों तुम बिल्कुल घबराना मत, मैं तुम्हारे लिए बैठा हूँ। हमें और क्या चाहिए, मैं तुम्हारे लिए बैठा हूँ, कोई भी तकलीफ होगी मैं बैठा। हमें हिम्मत आ गई। एक दफा रात को कोई डिनर की, थोड़े से अपने इस्माइली लीडर्स थे, माँ बाप ने बात करते करते कह दिया, देखो जमात को कहो घबराने की कोई बात नहीं, कभी कुछ जरूरत आ भी पड़ी तो माँ बाप कहते हैं मेरे में ये ताकत है कि मैं तुमको थोड़ी देर के अंदर निकाल लूंगा। इस फरमान को 9-10 बरस के बाद हमने याद किया जब ईदी अमीन ने युगांडा के अंदर एशियन को कहा कि निकल जाओ और एक डेड लाइन दे दी। कितनी घबराहट हुई आप लोगों को पता नहीं, जो उधर थे ना उनको मालूम है। बाद में अगरचे ईदी अमीन ने कहा कि ये चीज मैंने इस्माइलियों के लिए नहीं कही, मगर इस्माइली भी रहे नहीं, बहुत से तो निकल ही गए, थोड़े से इस्माइली रह गए। ना उनके पास पैसे थे, ना उनके पास पासपोर्ट थे, ना उनके पास सहूलत थी, ना उनके पास कोई और रास्ता था निकलने का। अब घबराने लगे, जो मालदार थे वो भाग गए सबसे पहले, दूसरे लोग भी निकल गए, थोड़े से इस्माइली रह गए। इमाम ने उधर बैठे बैठे इंतजाम किया, चार्टर प्लेन बनाए नैरोबी से। पहला चार्टर प्लेन जब आया तो इस्माइली उसके अंदर बैठ गए, थोड़े से रह गए थे। दूसरा आया, जब तीसरा आया तो इस्माइली तो सब आ गए, जगह बहुत सी खाली थी, तो बहुत से गैर इस्माइली हिंदू थे, सिख थे, दूसरे थे, हाथ जोड़ के रो के कहते थे हमको ले जाओ, उनको भी ले लिया गया। एक इस्माइली भी ऐसा न रहा सिवा के जिनको अपनी मर्जी से उधर 60-70 आदमी रह गए, उन्होंने कहा हमको नहीं आना, ना से इमाम ने उनको उठा लिया। मैंने आपको बात इसलिए कही है कि हम इस बारे में नहायत ही खुश नसीब हैं, हमारे ऊपर हमारा माँ बाप बैठा है। और मैंने कहा ना कि वो 98 करोड़ मुसलमान हैं, वो यतीम हैं, इसलिए यतीम हैं कि कोई नहीं उनका, कौन हाथ पकड़े। रसूलुल्लाह का जमाना था, लोगों को कोई तकलीफ होती थी भाग के चले जाते थे, या नबी ये तकलीफा पड़ी नबी उसको उसका इलाज बताते थे। झगड़े हो गए तो नबी के पास, कोई तकलीफ आ गई तो नबी के पास, बीमार हो गए तो नबी के पास। वो मदीने के लोग खुश नसीब थे कि एक जीता जागता नबी उनके हुजूर में मौजूद था, हाजिरी में। नबी की वफात के बाद अली के इर्द गिर्द रहने वालों को वो मजा था कि जो नबी की हयाती का था, और अली के बाद हुसैन के इर्द गिर्द रहने वालों को वही चीज और सहूलत थी। अल्हम्दुलिल्लाह,
वो जो नबी और अली के जमाने के सहूलतें उन मुरीदों को मिलती थी, आज वो हमको नसीब हैं। नबी ने फरमाया था मेरी अहले बैत को छोड़ दोगे ऐ मुसलमानों तुम गुमराह हो जाओगे, अब वो गुमराह हो गए। हम अपने मजहब को जानते नहीं, लेकिन एक बात जरूर है और वो निहायत ही खुशी की बात है कि भले हमारी जमात के अंदर इल्म कम है, भले हम लोग पढ़ते थोड़ा हैं, मगर एक बात जरूर है कि ईमान के मौलाना हजरत इमाम के पांव में पड़े हैं, इसकी दामन में पड़े हैं, इसको हम जानते हैं, हम इससे मोहब्बत करते हैं, हम अपने मौला से प्यार करते हैं, और ये प्यार हमको छोटी उम्र से वादियत किया जाता है, सिखाया जाता है। जरा बच्चे ने कुछ मामा पापा बोलना शुरू कर दिया तो मोमन आदमी की जो फैमिली है, मोमन माँ और मोमन बाप जो हैं, वो बच्चे को सबसे पहले याली बापा सिखाते हैं। इस छोटी उम्र से हमारे दिल के अंदर माँ और बाप की तरफ से जो नसीहत या ट्रेनिंग या तरबियत मिलती है, उसके अंदर पहली चीज इमाम होता है। ये हमारे इस्माइली तरीके, हमारे इस्माइली मजहब की एक खूबी है कि जो ही बच्चे ने कुछ थोड़ा सा भी बोलना सीखा या जरा सा भी समझना सीख लिया, जैसे कि 6, 8, 10, 12 महीने की उम्र में बच्चा मामा पापा ऐसी चीजें बोल देता है, तो माँ बाप उसको हजरत इमाम की फोटो के सामने ले जाके खड़ा कर देते हैं। ये शिर्क नहीं है, ये फोटो की इबादत नहीं है, ये बुत परस्ती नहीं है, ये कोई कुफ्र नहीं है, ये कोई गुनाह नहीं है, ये तो एक तरबियत का तरीका है। याली बापा याली बापा याली बापा बच्चा सीखता है, थोड़ा बड़ा होता है जमात खाने ले आके आते हैं, माँ बाप उससे हाथ से दुआ कराते हैं, अपने मजहब की जो चीजें उस छोटी उम्र में सीख सकता है उसकी तरफ उसको रुख कर देते हैं। थोड़े वक्त के बाद 2-3 साल का बच्चा हो जाता है, फिर वो खुद ही अपनी माँ या अपने बाप के पहले से ही भाग के मुखी के कामड़िया के पाठ के ऊपर चले जाता है, दुआ कराता है खुद ही। इस तरह से वो जो बीज उसके दिल के अंदर माँ और बाप ने मोहब्बत इमाम की और मजहब की तुख मुखरेजी की है, यानी बीज डाला उसको पानी मिलता रहा, वो पिनपता रहा, फलता रहा, फूलता रहा, ये बाढ़ पढ़ानी पृथड़ी या मौला छोटी उम्र से तेरी मोहब्बत में पड़ा हूँ, तेरे से मेरी मोहब्बत बचपन की है, शीर खारगी के जमाने की है, बेबीहुड की है। अरे इसके भी थोड़ा पहले चले जाओ तो जो मोमन लोग हैं हमारी मजहब में, सबका ईमान अगर के बराबर नहीं, लेकिन जो खालिस मोमन हैं, जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो हमारी मोमन माएं दुआ पढ़ते वक्त ये भी नियत करती हैं कि या मौला ये मैं नियत करती हूँ अपनी तरफ से भी, और वो बच्चा जो मेरे पेट में तूने रखा है मेरे मालिक, मैं उसकी तरफ से भी दुआ पढ़ती हूँ, उसकी तरफ से भी तस्बीह निकालती हूँ। माँ अपने उस पेट के बच्चे की तरफ से भी नियत करती है जिसका उसको सवाब मिलता है। हम यहाँ तक पहुँचते, हम अपने जिंदगी को इमाम की मोहब्बत के अंदर ओत परोत कर देते हैं। यूँ समझ लो कि हम आटे की तरह हैं और इमाम घी की तरह है, हम उस घी में आटे को गूंद लेते हैं। हम घी के अंदर आटा गूंद लेते हैं, उसकी बनाई हुई चीज महीनों तक बिगड़ती नहीं क्योंकि पानी की बूंद उसमें नहीं गई। घी के अंदर गूंदे हुए आटे की आप कोई चीज बनाओ तो महीनों तक नहीं बिगड़ेगी। हम इस्माइलियों का जो मजहब है शरीयत नहीं, खुद हमने भी अभी तक अपने मजहब को अच्छी तरह से समझा नहीं है। हमारी मोहब्बत जो है हजर इमाम की तरफ और हजर इमाम की मोहब्बत जो हमारी तरफ है, उसी का नाम इस्माइली मजहब है। इस्माइली मजहब की खूबी, इस्माइली मजहब का एसेंस, इस्माइली मजहब का नचोड़ वो मोहब्बत है। हमारी नजर के सामने हमारा इमाम है, जिंदा मौजूद बैठा है। कभी कभी हम उसको जाहिर में भी देखते हैं
और कभी कभी हम उसको बाथरूम में भी देखते हैं। देखने वाले उसको हर रोज बाथरूम में देखते हैं। वो हमारी रग रग के अंदर समा चुका है। इस्माइली मजहब इसी का नाम है, हजर इमाम की मोहब्बत का नाम है। गिमार कहते हैं बेवकूफ को, जाहिल को। मेरी मोहब्बत जो तेरे से है मेरे मौला, मेरी बचपन की मोहब्बत जो तेरे साथ है ऐ मेरे मौला, वो एक मूर्ख गिमार को क्या पता, क्या जाने गिमार। गिमार जो होते हैं यानी जाहिल होते हैं, जाहिल उसको कहते हैं कि समझाया जाए फिर भी ना समझे, उसको जाहिल कहते हैं। अबू जहल रसूलुल्लाह के एक चाचा थे। अल्लाह का पाक ने कुरान शरीफ में सूरतुल बकर के अंदर पहली जो 30 आयतें हैं उनमें बहुत सी चीजों के ऐसे जिक्र किए हैं। अल्लाह फरमाता है कि ये जो लोग हैं मुशरकीन, मुनाफिकीन, और मुनाफिक उसको कहते हैं कि जो जाहिर में मुसलमान हो जाए लेकिन दिल उसका कुफर से भरा हो, उसको मुनाफिक कहते हैं। मुशरिक उसको कहते हैं कि जो बुत परस्ती करे और अल्लाह के साथ शरीक करे किसी को। काफिर उसको कहते हैं कि जो मोहम्मद की नबुवत से इनकार करे। मुलहिद उसको कहते हैं कि जो खुदा को ही नहीं मानता। तो मक्का के जो मुशरकीन थे वो मुलहिद नहीं थे, खुदा को मानते थे, लेकिन वो कहते थे कि ये फला फला बुत जो है ये खुदा ताला का शरीक है, इसलिए उनको मुशरिक कहा जाता था। और काफिर इसलिए हम कहते हैं उनको कि वो मोहम्मद की रसालत से इनकार करते थे। तो मुनाफिकीन के लिए अल्लाह ने फरमाया, अरे मोहम्मद तुम्हें मालूम नहीं कि कौन मुनाफिक है, बहुत से ऐसे तेरे असहाब हैं कि जिनके दिल में कुफ्र छुपा हुआ है। जाहिर के अंदर अगर एक आदमी आंख से कोई चीज को देख लेवे तो फिर तो उसको कबूल कर लेना चाहिए ना, लेकिन जिसका दिल अंधा हो जाता है उसकी आंखें भी फिर देख नहीं सकती। अबू जहल उन लोगों में था। उनका नाम उमर था। दो उमर थे बड़े पावरफुल, एक उमर बिन अल खताब और एक उमर अबू जहल। रसूल ने एक दिन दुआ की, या अल्लाह इन दो उमरों में से एक दे दे मुझे, यानी एक मुसलमान हो जाए। अबू जहल चाचा था, बहुत दफाया करता, बड़ा शैतान था, बड़ा शरीर था। उसने बहुत तकलीफ दी रसूल को, और अबू सुफियान और बनी उमैया को खड़ा करने वाला अबू जहल था। एक दिन आया, कहता है मोहम्मद आज मैंने तय किया है कि मैं मुसलमान हो जाऊं, लेकिन तेरे से चंद बातें करनी। मेरे को ये बताओ कि अगर तू खुदा का रसूल है तो खुदा तेरी बात मानेगा? तो खुदा को कहो अभी अभी मेरे सामने एक दरख्त पैदा हो जाए कि वो दरख्त चांदी का हो, उसकी टहनियां ब्रांचेस सोने की हो, जमुरद के पत्ते हो, जमुरद का पत्थर कीमती है और ग्रीन रंग का होता है, डिफरेंट शेड्स होते हैं उसके, जमुरद के पत्ते हो और उसको मोतियों और जवाहरात के फल लगे हों। रसूलुल्लाह बहुत हंसे, ऐ चाचा अगर तुम ऐसा दरख्त देख लो तो तुम इस्लाम ले आओगे? हाँ। नबी कहते हैं अल्लाह अगर तू मेहरबानी करे हो सकता है कि ये मेरा मददगार हो जाए। अल्लाह ने दुआ सुनी। हम इस्माइली को ये कहते हैं कि अल्लाह और नबी के दरमियान कोई पर्दा ही नहीं, यकायक। अबू जहल ने देखा तो एक दरख्त खड़ा है, औरों को नजर नहीं आया,
जो रसूलुल्लाह के इर्द गिर्द दूसरे असहाब बैठे थे उनमें से किसी ने नहीं देखा, लेकिन अबू जहल देख रहा है। आंखें खुली की खुली रह गई और हैरत और इस्तेजाब से मुंह खुल गया। एक दरख्त खड़ा है, चांदी का उसका तना है, सोने की ब्रांचेस और टहनियां हैं, जमुरद के पत्ते लगे हैं, हीरे जवाहरात और मोतियों के गुच्छे फल की तरह जिस तरह से अंगूर के लगते हैं इस तरह से लगे हुए हैं। हैरान रह गए। बड़ी देर तक उसकी सांस रुक गई। जब वो दरख्त फिर गायब हो गया और इसको होश आया तो अपनी वो जो शैतानियत थी ना अंदर दिल में वो आउट कर आई। हंस के एक जोर से हाथ मारा रसूलुल्लाह के पांव के ऊपर, कहता वाह मेरे भतीजे तू गजब का जादूगर है। उसके चला गया। इसको जादू नजर आया क्योंकि उसका दिल अंधा था। अल्लाह फरमाया जिसका दिल अंधा हो गया, जिसके सीने अंधे हो गए, उनका सब कुछ बर्बाद हो गया, वो फिर कुछ देख नहीं सकते। इनको जिन लोगों को हम कुछ बतावें समझावें फिर भी जिद की वजह से या हसद की वजह से या अपनी जहालियत की वजह से जो नहीं समझ सकते उनको गिमार कहते। पीरों के गिनानों में गिमार का लफ्ज बहुत लिखा, लेकिन आज मैंने आपको गिमार लफ्ज का खुलासा कर दिया। बाढ़ पढ़ानी प्रीतरी मौला तुमसे लागी, नेहड़ो लागो शाह नूर दर से, मौला के नूरानी दरवाजे के साथ मेरा जो नेह मोहब्बत और उल्फत लग गई, क्या जाने गिमार उस जाहिल को क्या खबर, उसे मालूम नहीं। प्रेमी जाने प्रेम रस, ए भाई प्रेमी जाने प्रेम रस, और ना में है तो वो गिमार ही है। जो मोहब्बत करता है अपने मौला से उसे मालूम है मोहब्बत की मजाक क्या है। प्रेमी जाने प्रेम रस, और न जाने कोई मूर्ख लोग जाने नहीं कि प्रेम सो क्या होए, प्रेम सिवा क्या होए, नहीं प्रेम सो क्या होए, यानी प्रेम क्या चीज है वो उसे मालूम नहीं कि जो नादान है। हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने एक दफा फरमान फरमाया, मौला कहते हैं नादान से दूर रहो, उससे दूर रहो, उसको देख के भाग जाओ। फिर एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक दिन हजरत ईसा अलैहि सलाम अपने चंद असहाबों के साथ रस्ते में जा रहे थे। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का फरमान है ये,
फरमाया मौला ने कि चलते चलते बातें करते जाते थे कि यकायक एक शख्स हुजूर ईसा अलैहिस्सलाम की नजर में पड़ा तो आप मुड़ के भाग गए, जाके एक गली में घुस गए और जाके किसी मकान में छुप गए, ताकि वो जो आदमी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा था वो गुजर के निकल गया। उसके बाद ईसा नबी वापस आए, असहाब बड़े मुताज्जब थे कि या हजरत आप तो इस तरह भागे जैसे कोई शेर को देख के, जंगली जानवर को देख के भाग जाता है। फरमाया हाँ, मैं उस आदमी को देख के भाग गया। या हजरत आप मुर्दे को जिंदा करते हो, शेर और जंगल के जानवर आपकी ताबेदारी करते हैं, आप एक ऐसे आदमी को देख के फकीर जैसा नजर आता है आप उसको देख के भाग गए। फरमाया मुर्दे के ऊपर मेरे कलाम का असर होता है तो वो जिंदा हो जाता है, जंगल के जानवर जो है मेरी ताबेदारी करते हैं। लेकिन ये नादान ऐसा था कि मैं इसको कुछ नसीहत करता तो उसके दिल पे कोई असर ना होता, मैंने बेहतर समझा कि चला जाऊं, भाग गए। मौला फरमाया मूर्ख नादान की दोस्ती मत करो। नादान कौन? मैंने आपको जो गिमार की लफ्ज की तारीफ करके यानी उसकी मैंने आपको डिटेल समझाई कि या तो जहालत की वजह से या हसद की वजह से या जिद की वजह से जो आदमी सच्ची बात को कबूल नहीं करता उसको हमारे इमामों हमारे पीरों ने गिमार का लफ्ज कहा, मूर्ख कहा, नादान कहा, उनकी दोस्ती से परहेज करो, दूर भाग जाओ, उनके नजदीक मत जाओ। अगर से वो जमात खाने में भी आवे मगर आपको लगे कि ये नादान है, रहने दो उसको दूर अपने से, उसकी दोस्ती भी मत करो। हमारे मजहब के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं हमारी कौम के अंदर। एक दफा इमाम जूनागढ़ गए, सॉरी जामनगर गए, जामनगर का खोजावाड़ में जो जमात खाना है, अभी तो थोड़ा सा बदल गया, वो जमाने में पुराना जमात खाना था, लंबा था, बहुत बड़ा भी नहीं था, लेकिन खचा खच भरा हुआ था जमात से। इमाम सुल्तान ने मुझसे फरमाया देखो पहले जमाने में अली के जमाने में एक मुआविया था, आज सैकड़ों मुआविया हैं, हुसैन के जमाने में एक यजीद था, आज सैकड़ों यजीद हैं, बहुत से इधर मेरे सामने इस जमात खाने में बैठे हैं। इस्माइलियों के अंदर भी हर कोई आदमी इमाम का आशिक नहीं, इस्माइली माँ बाप के घर में जन्म ले लेने से कोई खास आदमी इस्माइली नहीं बन जाता। मैंने वो जो बात की कि छोटी उम्र से बच्चे को हम सिखा लेते हैं वो हर घरों में नहीं है, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर ऐसे भी इस्माइली हैं कि सुबह उठ के बच्चे को बियर पिलाते हैं, नियाज नहीं पिलाते। हमारी ही जमात में इन्हीं वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जिधर आप इस वक्त रहते हो और मैं भी खड़ा हूँ, अरे दीनदारो हमारे बहुत से ऐसे इस्माइली भी हैं कि सुबह बच्चे को नियाज नहीं पिलाते, बियर पिलाते। तो इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने जो फरमाया कि भाई बहुत से मुआविया और यजीद आज हैं, पहले तो एक एक था आज तो सैकड़ों हैं, और बहुत से इस वक्त मेरे सामने मेरी हाजिरी में भी बैठे हुए हैं, इमाम को आंख से देखते हैं अबू जहल की तरह, मगर यकीन और ईमान नहीं आता। इनको मूर्ख और नादान कहा गया, इनसे दूर हट जाओ, इनसे दूर रहो। उन नादानों से जो ईमान खराब कर देवे, उन नादानों से जो अपने मजहब के ऊपर बुरे अल्फाज कहे, उन नादानों से जो हमारे मजहब में रह के भी हमारी बदियां और हमारी दुश्मनियां करता है, उनसे दूर रहो। पुरानी दुआ थी हिंदी जबान के अंदर जो हम दुआ पढ़ते थे, उसमें दुआनियत खैर का एक पाठ आता था, बड़ा सज्दा था, उसमें 16 सज्दे थे, उसके पहले हम पढ़ते थे दुआनियत खैर, इलाही तू खैर करिए, आकिबत जो खैर करिए, हित मांग खैर करिए, हित यानी अभी प्रेजेंट, मांग यानी फ्यूचर में, हथ पौर 64 घड़िया खैर सलामती से गुजारिए। आठ पहर हैं,
और 64 घड़ियां हैं। अर्ज की जाती है मौला को कि खैर और सलामती से गुजरे। वाके घाटे राह मुसाफरिये राहिये दरगाहिये पंजे भाइये इश्कदारिये जुमलो जमात जो खैर करिए। वाके यानी जो रस्ते में मुसाफरी कर रहे हैं, घाटे के जो अपने अपने घरों में अपने मुकाम में बैठे हुए हैं, राह मुसाफरी में हैं, यानी वो चल नहीं रहे लेकिन सफर में किसी किसी जगह मुकाम किया हुआ है, राही जो इमाम के रस्ते में उसकी खिदमत के लिए जैसे कि दाई और मिशनरी थे, राही दरगाही वो ऑफिसर या मौला जो तेरे हुजूर में रहते हैं, पंजे भाई हैं, इश्कदारी हैं जो तेरे से प्यार करने वाले हैं, इन तमाम के लिए मैं खैर की दुआ मांगता हूँ। फिर खसूसन करके जो मैं कहना चाहता था वो अल्फाज ये हैं, या अली रखी जालिम के जुल्म करना, ऐ मौला जालिम के जुल्म से मुझे दूर रखना, या अली रखी शर शैतान करना, शैतान के शर से हमें बचा के रखना, फिर या अली रखी तिनी करना जिन्हें कि तुझी सांझाना है, ऐ मौला उनसे भी मुझे दूर रखना कि जो तुझे नहीं जानते, जिनको तेरी शनाख्त नहीं उनको दूर करना। नादान की दोस्ती बहुत बुरी चीज है, खुशबू इतनी पावरफुल नहीं है जितनी गंदगी पावरफुल है। खुदा ताला की इबादत करने वाले लोगों के अंदर जो जबरदस्त हैं उनका तो सवाल ही नहीं, वो तो खुदा ताला की खुदाई के अंदर बुजुर्गी पाए हुए हैं, जो दुआ मांगते हैं खुदा मंजूर करता है। लेकिन खुदा के रास्ते में चलने वाले बहुत से कमजोर भी हैं, इन कमजोरों को जो शैतान की तरह के शरीर लोग हैं वो उनको बहला फुसला के रास्ते से हटा देते हैं। इसलिए हमको कहा गया कि हर रोज तुम जमात खाने आओ, क्यों? इधर आके तुम्हें अपने दीन भाइयों के साथ मुलाकात होगी, इसके अलावा जो फरिश्ते और रूहानियां हैं उनकी मुलाकात होगी, अगर कि हम उनको देखते नहीं लेकिन हमारी दुआ बंदगी के अंदर रूहानियां भी शामिल होती हैं। तमाम दुनिया के अंदर जितने भी मजहब हैं, कोई भी मजहब ले लो, उन मजहब में जो लोग गुजर जाते हैं वो मरने के बाद अपनी अपनी मजहबी जगहों की विजिट करते हैं। अगर कोई क्रिश्चियन गुजर गया तो अपनी मौत के बाद वो अपने चर्च की विजिट करता है, मुसलमान मस्जिद में जाते हैं, सिख अपने गुरुद्वारे में जाते हैं, हिंदू अपने मंदिरों में चले जाते हैं, अपनी अपनी उनकी जिंदगियों के अंदर जो उनका ईमान और अकीदा एतेकाद था उसके हिसाब से वो रूहानियां के जो इसी दुनिया के महवर के इर्द गिर्द फ्लोट होती हैं और उनको अभी तक अल्लाह की तरफ से छुटकारा नहीं मिला, या जन्नत का या दोजख का, और इनको आलम बरजख में रखा गया, डिटेंशन में रखा गया, तो वो रूहानियां विजिट करती हैं। इसके अलावा जो रूहानियां आलम मलकूत में चली जाती हैं या आलम जबरूत में चली जाती हैं, यानी फरिश्ते बन जाते हैं, वो रूहानियां भी दुनिया के अंदर आती हैं और खुदा ताला के बंदों की मुलाकात करके उनको सलाम करती हैं। इस चीज का जवाब, इस चीज का खुलासा कुरान पाक में मौजूद है। तो जमात खाने आने से हमें उन रूहानियों के साथ भी मुलाकात होती। मैंने कहा अगर से हम देख नहीं सकते मगर वो रूहानियां हमारे साथ शामिल होती हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जमात खाने में आने से हमें खुद उस मालिक मेहरबान की मुलाकात होती है कि जिसकी हम इबादत करते हैं, वो हर वक्त हाजिर नाज़िर मौजूद है। तो इसकी दोस्ती में आने से हमें फायदा यह है कि जो शरीर लोग हैं, शैतान की तरह हैं, जो बीमार हैं, नादान हैं, मूर्ख हैं और ईमान को छीन जाने वाले हैं, उनसे हमें बचाव की एक सूरत मिलती है। मौला हमें प्रोटेक्ट करता रहता है, बचाता रहता है। यूं भी हमें हर रोज अपने ईमान की सलामती की दुआएं मांगनी चाहिए। हम गुनहगार हैं, कमजोर हैं, ज़ईफ हैं, और इसके अलावा आज की जो दुनिया है उस दुनिया में इतने गुनाह हैं, खसूसन तौर पे इन इलाकों में जहाँ अमेरिका
या कनाडा या वेस्टर्न यूरोप वगैरह की जगह हैं, बड़ी खतरनाक जगह हैं, दुनिया के सुख बहुत हैं, मगर दीनदारों इतने दुख हैं, रूहानी दुख इतने हैं इन इलाकों में कि बात छोड़ दो। इसमें बचने का एक ही रास्ता है, इबादत करो और इमाम के हुजूर में हमेशा अपनी और अपनी औलाद की ईमान की सलामती मांगते रहो। दिन ब दिन, रोज बरोज, जो जो वक्त गुजरेगा बदियां गुनाह बढ़ते जाएंगे। इस बात में बड़ा भेद है जो मैं पब्लिक में जाहिर नहीं कर सकता कि इमाम ने अपने इस जौमे के अंदर हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोगों को और अफ्रीका लाया और अफ्रीका में से उठा के यूरोप और अमेरिका के अंदर बसा दिया। हम सब जम्पू द्वीप के रूहानियां हैं। जम्पू द्वीप का मतलब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कश्मीर, बर्मा और लंका, ये सारा इलाका मिला के जम्पू द्वीप बनता है। इसके अंदर मलाया और सिंगापुर भी आ जाता है। इन तमाम इलाके को जम्पू द्वीप कहते हैं। और पीरों ने जो गिनानों के अंदर जम्पू द्वीप का जिक्र किया है उसके अंदर ये सब ममालिक आ गए। मैं फिर आपको कह दूं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान, आज का हिंदुस्तान पाकिस्तान, कश्मीर, नेपाल, भूटान वगैरह आके, बर्मा, मलाया, सिंगापुर आके और लंका उसके साथ, ये सारे इलाके को जम्पू द्वीप कहते हैं। इस इलाके के अंदर जो रूहें पैदा हुई उनको मौला ने एक टोस्ट के ऊपर मक्खन किस तरह से फैलाया जाता है, ऐसा इमाम ने दुनिया में उनकी लेयर बना दी। आगा हसन अली शाह माँ बाप ने सबसे पहले कच्छियों को बोला कि तुम अफ्रीका जाओ, 125-150 बरस पहले की बात है। कच्छ के अंदर लोग बहुत गरीब थे, खेती बाड़ी वगैरह करते थे। हसन अली शाह माँ बाप ने उन लोगों को एनकरेज किया, अफ्रीका जाओ। फिर कच्छियों को देख के बहुत से कच्छियावाड़ी भी आए और ये चीज बढ़ती गई। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने तो सख्त जोर लगाया, खास तौर पे 1926-27 के बाद 1930 से लेके सुल्तान मोहम्मद शाह 29 दिसंबर और 30 की जनवरी में उधर थे, उस दिन के बाद इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमान करने शुरू किए, अफ्रीका जाओ, अफ्रीका जाओ, अफ्रीका जाओ, रस्ते बंद हो जाएंगे, दरवाजे बंद हो जाएंगे, जाओ जाओ। 46 तक इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह भेजते रहे। जमात बढ़ती गई, बढ़ती गई, 75,000 आदमी हो गए सारी अफ्रीका के अंदर। 54 की साल में 1954 में एक तालिका भेजा, जाहिर पब्लिक में पढ़ा गया। इमाम ने फरमाया कि तुम जो इस अफ्रीका में रहते हो, अभी तुम इधर से थोड़े खिसक के वेस्ट की साइड में जाओ। माबा फरमाया कांगो जाओ। लेकिन माबा फरमाया कांगो में जब जाओ तो ईस्टर्न कांगो में नहीं, तुम वेस्टर्न कांगो तक, एटलांटिक तक जाओ, और एक दिन आएगा कि मैं तुमको एटलांटिक क्रॉस करने के लिए कहूंगा। 1954 का तालिका है, मेरे पास कॉपी है। मैं तुम्हें फ्यूचर में कहूंगा कि अभी तुम एटलांटिक क्रॉस करो, और एटलांटिक क्रॉस कराया। बड़ा भेद है इसमें। यूरोप में तो ठीक, यूरोप की जमात इंशाल्लाह घट जाएगी और इधर आ जाएंगे। अभी जो यूरोप में 20-25,000 इस्माइली हैं, इंशाल्लाह वो घट जाएंगे और इधर आ जाएंगे। इधर नॉर्थ अमेरिका में जमात बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, हर वक्त बढ़ती जाएगी। आइंदा 50 साल तक यहाँ की जमात बढ़ने में है। यहाँ जमात को एस्टेब्लिश करना शाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि के जमाने में पॉसिबल हुआ। दीनदारों इसमें बड़ा राज है, ये राज 150-100 बरस के बाद खुलेगा। अभी हम इस राज को समझ भी नहीं सकते, बड़ा राज है। तो मैंने आपको ये बात इसलिए बताई कि अपनी पुरानी हालत को भूल मत जाना। मौला ने 5 बरस पहले 7 दिन जब उधर अपनी मेहरबानी करके लंदन के अंदर पधरामनी तशरीफ आवरी की,
हर रोज कहता रहा, हर रोज। दो दिन के सिवा 5 दिन हजर इमाम सुबह भी आते थे, शाम को भी आते थे, दिन में 2 दफा आते थे। एक दिन कुछ काम था नहीं आए, और एक दिन बुधवार का दिन था तो माउंट बेटन गुजर गया तो सब बोले कि मैं अभी दोपहर को नहीं आऊंगा, मुझे उसके जनाजे में जाना है। लेकिन जितनी भी दफा हाजिर इमाम आए यही फरमान करते रहे कि तुम किधर भी रहो, अपनी जो पुरानी रिवायात हैं, तुम्हारी जो पुरानी ट्रेडिशन है, तुम्हारे बाप दादा की जो प्रणाली का है, हमारी जूनी ईस्टर्न साइड की प्रणाली का, जुदे जुदे लफ्जों के अंदर बोलता रहा, उसको छोड़ना मत। अपनी रिवायात को, अपनी प्रणाली का को, अपनी ट्रेडिशंस को छोड़ना मत। किधर भी रहो उसको पकड़ रखना। हमारी रिवायात, हमारी सोशल रिवायात भी हैं, हमारी मजहबी रिवायात भी हैं, उनको कायम रखना। तो दुनिया के अंदर इस वक्त जो हालत हमारी गुजर रही है, हम जिस वक्त में से पसार हो रहे हैं, दिन ब दिन ये वक्त और भी खराब और सख्त होता जाएगा। कोई ताज्जुब मत करना कभी आप ये सुनो कि हमारी कौम में से बहुत से लोग निकल गए, ताज्जुब मत करना। आज भी हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग हैं कि जो हैं तो जाहिर में इस्माइली लेकिन गैरों के साथ मिले हुए हैं, और यहाँ भी हैं थोड़े से कि जो अंदर रह के दुश्मनियां कर रहे हैं। ये तो हर जमाने के अंदर हमारे इमामों के साथ और अपनी इस्माइली जमात के साथ होता रहा, उसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं। हो सकता है कि ये चीज आपको कुछ तंग करे, लेकिन तंग मत होना। ईमान सलामत रखना, और अपने ईमान की सलामती की हर रोज अपने औलाद के लिए भी उनकी ईमान की सलामती की दुआ मांगते रहना। मगर यहाँ हमारी बहुत चढ़ती होगी, बहुत तरक्की होगी, हमें बहुत से काम करने पड़ेंगे, खासतौर पे कनाडा अमेरिका की जमात के ऊपर इमाम भविष्य में, फ्यूचर में कुछ काम डालेगा, फर्ज डालेगा। अभी से उसके इशारे हो रहे हैं, हम अभी तक समझे नहीं, समझने वाले समझते हैं लेकिन आम जमात को अभी पता नहीं लगेगा, कुछ वक्त के बाद लगेगा। इस जमात को, नॉर्थ अमेरिका की जमात को बहुत काम करने पड़ेंगे फ्यूचर के अंदर, और खुदा न करे अगर हमें हमारा ईमान कमजोर हो गया तो हमें बहुत तकलीफें होंगी, और जो काम करने हैं वो नहीं होंगे। वो वक्त नजदीक आ रहा है जब हजरत इमाम को दुनिया के अंदर जहूर करना पड़ेगा, इस जमे में नहीं होगा। शायद वो हमारे आइंदा जो इमाम होंगे, मुमकिन है शहजादा रहीम हमारे इमाम बने, तो शायद उनके जमे में भी ये ना हो रहे। लेकिन एक दिन नजदीक में ही, बहुत दूर नहीं, अभी 100-150 बरस के अंदर दुनिया के अंदर उस जमाने में जो इमाम होगा वो दुनिया का बादशाह होगा, जाहिर में भी। गिनानों के अंदर इस बात की बेहिसाब इशारात है। ये जो विश्व कुमारी है, ये जो दैत कालिंगा की है, ये जो असवारी की बातें हैं, वो हमारे पीरों ने गप्पे नहीं मारी। समझ में नहीं आता तो चुप रहना चाहिए, लेकिन ये कह देना कि ये सब बनावटी हैं, ये गलत बात है। उनके अंदर भेद है। हमारे पीर जो थे वो ऑर्डिनरी मिशनरी और दाई नहीं थे, वो आले रसूल थे। उनके अंदर इमाम की तरफ से वादियत किया हुआ पीर का जमा और नूर था। उनकी अपॉइंटमेंट इमाम ने की थी। इस मुखी कामड़िया को हम हाथ जोड़ के इज्जत देते हैं क्योंकि इमाम की गादी पे बैठे हैं। क्या है इनमें? इमाम का अमर है इसके लिए। यही अमर उन पीरों के अंदर था कि पीर सदरदीन को कहा कि जाओ तुमको मैं पीरी जमा देता हूँ, पीर शमस को कहा कि तुमको मैं पीरी जमा देता हूँ। तो क्या वो मुखी कांवड़िया से भी गिर गए? पीरों की बहुत इज्जत करो, क्योंकि जो पीर हैं वो खुद इमाम की फैमिली है, इमाम की औलाद है। कोई भी पीर ऐसा नहीं कि जो इमाम की फैमिली में से नहीं। और इस तरह जब हम पीरों का जिक्र करते हैं तो उसके अंदर पीर सब्जली को या उसके अंदर पीर गांगजी को, इस्माइल गांगजी को शामिल मत करो। वो पुठियों के पीर नहीं है, वो आले रसूल नहीं है, वो इमाम की फैमिली में से नहीं है, वो तो इमाम के गुलाम है, मुरीद है। उन्होंने इस दर्जे का काम किया कि मौत के बाद इमाम ने उनको पीरी दर्जा दिया है, पीरी जामा नहीं दिया। जामे के जो पीर हैं वो नूर हैं इमाम का, हम उनको हुज्जतुल इमाम कहते हैं, प्रूफ ऑफ हजर इमाम है। उन्होंने जो कुछ कहा
برحق کہا. ان پیروں نے کوئی بھی گپے نہیں ماری. دینداروں ان پیروں کی جو حالت, ان کے کلام کو آپ پڑھو, آپ کو بے حساب اس کے اندر نور نظر آئے گا. یہ موقع نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ میں نے گنانوں کی کتنی اسٹڈی کی, امام کے حضور میں کھڑا ہوں, مجھے امام کی تعریف کرنی چاہیے. اپنی تعریف نہیں کرتا, لیکن اتنا میں ضرور کہتا ہوں کہ جو کچھ گنانوں میں سے میں نے سیکھا امام کی رحمت سے سیکھا. اس نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا تب سیکھا, اور گنان میں کوئی چیز چھوٹی نہیں. سمجھ میں نہیں آتا وہ اور بات, 500, 700, 800, 900 برس کی پرانی زبان ہونے کی وجہ سے ہمیں سمجھ نہیں آتی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ غلط ہے. ہماری قوم کے اندر ایک ایسا ایلیمنٹ پیدا ہو گیا ہے کہ جنہوں نے جان بوجھ کے اس بات کے لیے شرارت شروع کر رکھی ہے کہ وہ پیروں کے درجوں کو تو بالکل مٹا ڈالے, بلکہ امام کو بھی رسول اللہ سے نیچے کر دیا ہے, نبوت سے امام کو انہوں نے نیچا کر دیا ہے. اور گنانوں کو تو سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے یہ آپ کا شکاگو ٹریبیون نکلتا ہے, اس طرح گنان بھی کوئی نیوز پیپر ہے. بنگارو, ہماری جماعت کے اندر, ہماری مذہب کے اندر علم بہت ہے, لیکن ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے اس کا ایسنس نکالو تو وہ ایسنس حضرت امام کی محبت ہے. اس محبت کے پیچھے پڑو, ہر روز دعا مانگو, یا مولا میرے دل میں ایمان کمپلیٹ کر. اس کو کہتے ہیں سمپورن ایمان, مکمل ایمان بنا دو, یعنی میرا ایمان زیادہ کر. جب ایمان کسی دن کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس میں رخ پیدا ہوگا. آم کے درخت کو دیکھ لو, بور لگتے ہیں, پھول لگتے ہیں, ان پھولوں کے اندر سے چھوٹی چھوٹی باریک خشخاش کے دانے جتنی ایسی گولیاں لگ جاتی ہیں, پھر وہ بڑی ہو جاتی ہیں, ہم ان کو املیاں کہتے ہیں, پھر وہ بڑی ہو جاتی ہیں. آم جتنا بڑا سائز ہو جاتا ہے, ابھی تک وہ گرین ہیں, کچی ہیں, کھاؤ تو کھٹی ہوتی ہیں, لیکن جب وہ پک جاتی ہیں رنگ بھی بدل جاتا ہے, خوشبو بھی بدل جاتی ہے, سواد بھی بدل جاتا ہے. ایمان ایسا ہی ہے, ایمان بڑھتے 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 جب پک جاتا ہے تو وہ آم کی طرح سنہری رنگ ہوتا ہے, سونگو تو لذتدار خوشبو دل فریب ہوتی ہے, آنکھوں کو بھی بھلے لگتے ہیں, ناک کو بھی بھلے لگتے ہیں, اور کھاؤ تو انسان خدا کے شکرانے میں خوش ہو جاتا ہے. ایسی لذیذ چیز, اور اس میں خاص طور پہ آپ کبھی لنگڑا کھاؤ پاکستان کا یا ہندوستان کا, آپ حافظ آم کھاؤ تو کیا تعریف ہوتی ہے, بس چھوڑ دو. ہمارا ایمان جب مکمل ہو جاتا ہے, جب ایمان پک جاتا ہے, اس میں خلوص پیدا ہو جاتا ہے, اس میں رس پیدا ہو جاتا ہے, اس میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے, اس میں ذائقہ پیدا ہو جاتا ہے, اس میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے. یہ ذائقہ, یہ رس, یہ سواد, یہ لذت محبت ہے. جب انسان کے دل میں مولا کی محبت اجاگر ہو جاتی ہے, پھر اس آدمی کو کوئی خطرہ نہیں رہتا, وہ امام کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا, اے محمد کہو مومنوں کو, جب میرا مومن مجھ سے محبت کرتا ہے, اس حدیث کو حدیث قدسیہ کہتے ہیں, میرا مومن جب میرے سے محبت کرتا ہے تو میں بھی اس کو محبت کرتا ہوں, پھر میں اس کی زبان بن جاتا ہوں کہ وہ میری زبان سے بولتا ہے, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں وہ میری آنکھوں سے دیکھتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں وہ میرے کانوں سے سنتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں میرے ہاتھوں سے کام کرتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں وہ میرے پاؤں پہ چلتا ہے. مومن
खुदा ताला के साथ एक हो जाता है। ये मोहब्बत है। अब तेरी मोहब्बत लगी मेरे साहेब, अब तेरी मोहब्बत तेरी रमज का, या मैं हूँ दीवाना तेरी रमज का, या मैं हूँ दीवाना इश्क अकाला भुला वो मेरे साहेब, अब तेरी मोहब्बत लगी। मौला तेरी जो रमज है, रमज कहते हैं भेद को, खेल को, मशीयत को, हिल चाल को, बोल चाल को, ये सब चीजें रमज में आती हैं। मैं तेरी रमज का दीवाना हूँ, तेरी मोहब्बत में मैं दीवाना हूँ। अपने इस इश्क के अंदर अकल भूल गई, अकल और इश्क साथ साथ नहीं चलते। अकल एक कैरिज है, एक मोटर की तरह है कि जो हमको मंजिल तक पहुंच के खुद बेकार हो जाती है। जब हम मंजिल पे पहुंचते हैं तो फिर हम मोटर को छोड़ देते हैं, अपनी मंजिल पे जाके बैठ जाते हैं। इश्क हमारी मंजिल है, अक्ल हमारी मोटर है। अक्ल की जरूरत है मंजिल तक पहुंचने के लिए। इमाम फरमाया हमारा मजहब जो है वो अकलों के लिए, अक्लमंदों के लिए, इल्म वालों के लिए है। नादान जाहिल बेअक्ल हमारे मजहब को नहीं समझ सकते। मूर्ख बीमार, मैंने आपको जो कहा हमारे गिनानों के अंदर उसके बहुत से अल्फाज हैं, बहुत से तरीकों से कहा गया है। हे जी भाने पीरा सदर दीना, हमें वन जा राजी जोई जोई वो रोवीरा, वन जहमा राजी पाशु जीवड़ा किया जाने, वन जहमा राजी। मेरा जो मजहब है, फिर सदर दिन कहते हैं वो तो एक बिजनेस की तरह है, मैं व्यापार कर रहा हूँ घूम फिर के। वंजारा कहते हैं जो घूम फिर के व्यापार करे, जैसे कि सैलानी होते हैं, इंग्लिश में उसको जिप्सी कहते हैं। देखो मेरी चीजें, देखो एक एक उठा उठा के देखो, तुम्हें पसंद आए जो ही जो ही वोहरो वीरा, वरना हमारा इतनी बहुत सी चीजें हैं, तुम हाथ में पकड़ के देखो, उठा के देखो, नजर में रखो, उलट पुलट करके देखो, तुम्हें मेरी हर चीज पसंद आएगी। लेकिन पशु जीवड़े नादान जानवर की तरह के मूर्ख जिनमें अकल नहीं, वो क्या जाने मेरा वनज क्या है। मेरा वनज तो इश्क का वनज है। फिर वरानी में कहते हैं, हे सुनो मिला वाड़ो रे अपना सतगुरसों की जय। मोहब्बत का मेला वाला, मोहब्बत की मीटिंग भरो। इस्माइली मजहब का जो एसेंस है वो मोहब्बत है। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि 1937 में अफ्रीका के अंदर गोल्डन जुबली थी। मार्च की पहली तारीख को नैरोबी के अंदर हमने 39 में जोने के इस बदन मुबारक को सोने में तोला था। मौला दारुसलाम आए, दारुसलाम में आके बहुत से फरमान किए। फिर एक दिन मौला ने फरमान किया, यह फरमान 1945 में भी दारुसलाम में रिपीट हुआ। मौला फरमाया, मैंने तुम्हें दुनिया की बाबत में, तुम्हारी तंदुरुस्ती के लिए, इकोनॉमिक बाबत के अंदर बहुत से फरमान किए। तुम्हें ऐसा लगता होगा
कि हाजिर इमाम क्यों हमें कोई मजहबी फरमान नहीं करते, तो आज मैं तुम्हें एक मजहबी फरमान करता हूँ मेरे रूहानी बच्चों। अली नबी की गद्दी पे बैठा हुआ जो इमाम है उसका जानशीन है हाजर जमा जिसको हम कहते हैं, उसके साथ मोहब्बत करो तो तुम्हारी दीन दुनिया की तमाम फराइज और इबादतें उसमें शामिल हो गई। इमाम की मोहब्बत ये हमारी जिंदगी का मकसद है, इमाम की मोहब्बत हमारी इबादत की मंजिल है, हजर इमाम की मोहब्बत हमारे मजहब का निचोड़ है। रसूल अकरम की जिंदगी पढ़ो तो हुजूर की जिंदगी में मैंने तो दो ही चीजें देखी, या तो कहते रहे एक अल्लाह वहदहु ला शरीक ला है, खुदा एक ही है, उसकी तौहीद का ही जिक्र करते रहे, एक खुदा की इबादत करो, मगर दूसरी चीज उसके साथ साथ चली अली से मोहब्बत करो, खुदा एक खुदा की इबादत करो और अली से मोहब्बत करो, दोनों के अंदर कुछ रिश्तेदारी है। खुदा की तौहीद में और अली की मोहब्बत में कुछ रिश्तेदारी है, वो ढूंढो वो रिश्तेदारी क्या है। किसी का नाम मारिफत है। रसूल अकरम की सारी जिंदगी अली की मोहब्बत में गुजरी और लोगों को कहते रहे अली से मोहब्बत करो। हुजूर की बड़ी मशहूर हदीस है कि मोमन की निशानी यह है कि वो अली से मोहब्बत करता है, और मुनाफिक की निशानी यह है कि वो अली से दुश्मनी या अनाद रखता है। अनाद कहते हैं दिल में बुग्ध रखता है। ये हदीस शिया तो बोलते ही हैं, लेकिन सुन्नियों की किताबों के अंदर भी भरी पड़ी हुई है, खुद बुखारी के अंदर भी है ये हदीस। हुजूर फरमाया कि मोमन की निशानी ये है कि वो अली से मोहब्बत करता है, ये नहीं कहा कि वो अल्लाह की ही इबादत करता है वो मोमन, ऐसा नहीं कहा, क्योंकि अल्लाह की इबादत ही अली की मोहब्बत है, अली की मोहब्बत का नाम ही अल्लाह की इबादत है, अल्लाह की इबादत ही अली की मोहब्बत है। इन दोनों में मैंने आपको कहा ना कुछ रिश्तेदारी है, वो रिश्तेदारी यही है कि ये एक कॉइन है आपका एक डॉलर का, उसको ऐसा उलट करके देखो उधर कुछ लिखा है, इधर देखो तो कुछ लिखा है, लेकिन कॉइन एक ही है। अली की मोहब्बत ही खुदा की इबादत है, और खुदा की तौहीद जो है उसी का नाम अली की मोहब्बत है। जब अली की हम बात करते हैं तो अपने सामने वो दाढ़ी वाला, गोल दाढ़ी वाला, 5 फुट का भरे हुए बदन का, पतली पतली टांगों वाला, सिर के ऊपर बिला बाल वाला गंजा, उस अली की बात हम नहीं करते। ये हजरत अली का हुलिया है। मौला अली की दाढ़ी थी, ऐसा गोल दाढ़ी थी, गोल मुंह था सूरज की तरह, सिर पे बिल्कुल बाल नहीं थे। हुजूर पैदा हुए माँ के बतन से तो सिर पे बाल नहीं थे, सिर्फ इर्द गिर्द थोड़े बाल थे। मौला अली का कद 5 फुट का था, छोटी उम्र में बहुत ही पतले थे, बाद में जरा मजबूत हो गए, लेकिन टांगे और कलाइयां पतली ही रहीं। इस शक्ल के आदमी ने 40 फुट ऊंचा, 20 फुट चौड़ा, 1 फुट मोटा लोहे का दरवाजा, लोहे का दरवाजा आपको ख्याल में रह ले, 40 फुट ऊंचा, 20 फुट चौड़ा, 1 फुट मोटा लोहे का दरवाजा खैबर का, 2 उंगलियां डाल के ऐसा उसको हिलाया तो सारा किला लरजने लग गया। ये 5 फुट के दुबले पतले आदमी में कहां से ये कुव्वत आ गई, 2 उंगलियां हाथ की सिर्फ, दरवाजे को जो हिलाया तो सारा किला लरजने लगा। इस दरवाजे को उखाड़ा और इस तरह फेंका कि नजर से ओझल हो गया। दूसरा दरवाजा उखाड़ के खाई के ऊपर रखा तो दरवाजा छोटा हुआ, खाई बड़ी थी। हुजूर खड़े रहे और अपना पांव रख दिया अंगूठा उसकी उंगलियों के ऊपर, ये दरवाजा अटका रहा और इस्लाम का लश्कर अंदर चला गया। हैरत की बात है कि नहीं, अगर वो इंसान था तो ये चीज इंसानी ताकत के बाहर है। अली को पूछा गया, या अली ये खैबर का दरवाजा के अबू राफे जैसा पहलवान उसके साथ शागिर्दों को लेके वो दरवाजे को देखने गया
और ये सात आदमियों ने मिलके कोना उठाना चाहा तो हिला भी ना सके। अरे तो भाई आली, ये इतनी बड़ी जबरदस्त चीज आपने दो उंगलियों से उठाड़ी, ये कैसे? फरमाया ये खुदाई ताकत थी। ये अल्फाज शिबली नौमानी जैसा कट्टर सुन्नी मुसलमान, हिंदुस्तान का मुतअस्सिब मुसलमान, मुतअस्सिब यानी अली को पसंद नहीं करता था लेकिन क्या करे, उसको मजबूरन लिखना पड़ा। हिशाम और इसहाक में लिखा हुआ है। सिर्फ नबी के अंदर शिबली नौमानी ने इसका जिक्र किया। वो एक इंसान नहीं था लेकिन हम फिर भी उसकी बदनी हालत को नहीं देखते। हम तो अल्लाह के उन नामों में से जिनको हम अस्माए हुस्ना कहते हैं, जिनको हम इंग्लिश में एट्रीब्यूट्स कहते हैं, अल्लाह के उन पाक नामों को अगर हम देखते हैं उसमें से एक नाम मिलता है अली। अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु वल अलील अजीम, कुरान पाक की आयत है, आयतुल कुर्सी की आयत। अली अल्लाह है। हम इसमें जिक्र के हिसाब से अपने इस इस्माइली मजहब के तरीके में अली के नाम का विरद करते हैं, जिक्र करते हैं। मैंने कल ही बड़े जमात खाने के अंदर सेंट्रल जमात खाने में मैंने कहा कि सारा दिन अली अली करते रहो, मोहब्बत बढ़ेगी, दिल में रोशनी पैदा होगी, मुसीबतें पिघल जाएंगी, दुख नाबूद हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। जिस तरह बर्फ आहिस्ता आहिस्ता गल जाती है, दुख इस तरह गल जाएंगे, पेट्रोल की तरह उड़ जाएंगे, दिल में तकवियत पैदा होगी। कभी भी दिल के अंदर ना उम्मीदी और खौफ कभी नहीं होगा, कभी नहीं। अली की मोहब्बत हमारी जिंदगी का मकसद है, अली की मोहब्बत हमारे मजहब का निचोड़ है, और हम इसीलिए ही जिंदा हैं कि हम उस महबूब को जानें और उसके अंदर मरने के बाद मिल जाए। हे जी पीर फाजल शाह जी, वे नती मुझसे मेहर करो मेहरबान, पीर फाजल शाह जी मुझसे मेहर करो मेहरबान, कर्म करो गे तो शर्म रहेगी यार अली, कर्म करो गे तो शर्म रहेगी। हम बंदो दो सारी तू तार मिठा शाह, समरू मैं ते रोनाम यारी, समरू मैं ते रोनाम खुदा समरूम तेरो नाम। है मौला, मुंह से यानी मेरे ऊपर कच्ची है, मुंह से मेहर करो मेहरबान, आय रहमान मेरे ऊपर रहम कर, अगर तू कर्म करेगा तो मेरी शर्म रहेगी, मैं कमजोर हूँ, गुनहगार हूँ, अधूरा हूँ, लेकिन तेरे पाँव में पड़ा हूँ। तू अगर कर्म नहीं करेगा तो मुझे तेरे दरबार में शर्मिंदा होना पड़ेगा। मेरे मौला,
कर्म करोगे उसकी सत्तारी हालत को पुकार कर रहे हैं। अल्लाह के नामों में से एक नाम सत्तार है। सत्तार कहते हैं पर्दापोश को, सत्तार कहते हैं जो तुम्हारे गुनाहों भूलों को छुपा डाले, पर्दा डाल दे। हाय सत्तार, अगर तू कर्म नहीं करेगा तो मेरी शर्म नहीं रहेगी, मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा, मेरे ऊपर तू रहमत कर। हमारी मोहब्बत जो ईमान के साथ है उसमें ये तमाम चीजें आ जाती हैं। हजरत इमाम का जो आशिक होता है वो हमेशा अपने ईमान के पास आजिजी और इंतजारी ही करता रहता है। सुखी आबाद रहो, मौला आपकी नेक उम्मीद पूरी करे, हकीकती समझ दे दे, दस्तन सुकृत में पूरा रखे। मौला आपके दिलों को अपनी मोहब्बत से भर दे, मौला आपको ज़ाहर बातिन में नूर अता करे, मौला तमाम दुखों को दूर करे, तमाम मुसीबतें दफा करे, तमाम मुश्किलें आसान करे, आपकी जान में माल में बरकत दे दे, आल औलाद में बरकत दे दे, रोजी कमानी में बरकत दे दे, आबरू इज्जत में बरकत दे दे, दीन में दुनिया में अपने नजदीक रखे। मौला आप पे हमेशा राजी रह दे, मौला आपको अपनी इबादत में शामिल करे, मौला आपकी नेक दुआएं हमेशा कबूल करे, मौला आपकी बंदगी इबादत तस्बीहां कबूल करे। मौलाना हज़रत इमाम ज़हर में बातिन में हमेशा आपको दीदार और अपनी नियामतें बख्शे।